हेलो चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट फ्रेम्स इन ब्राउजर विंडो। तो ब्राउजर विंडो में आप फ्रेम्स कैसे बनाओगे, फ्रेम्स का क्या आपको बेनिफिट है। आप ब्राउजर के विंडो को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो और उन सेक्शंस के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट एचटीएमएल फाइल्स को लोड कर सकते हो। फाइन, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आप लोगे एचटीएमएल टैग। फाइन, ओके। नाउ जब आप फ्रेम्स क्रिएट करते हो तो आप बॉडी टैग यूज नहीं करते हो, ओके। और कलेक्शन ऑफ फ्रेम जो होता है, कलेक्शन ऑफ फ्रेम इन अ ब्राउजर विंडो इज कॉल्ड एज फ्रेम सेट। तो यहाँ पे हम फ्रेम सेट बनाएंगे, FRAMESET, फ्रेम सेट रोज। रोज से आप डिफाइन करोगे कि कितनी रोज आपको अपने ब्राउजर की विंडो में चाहिए, ठीक है। आप इसको नंबर ऑफ पिक्सल्स में भी दे सकते हो या फिर आप परसेंटेज ऑफ विंडोज विथ भी दे सकते हो। ओके, वी नो डेट जो विंडो की हाइट एंड विथ होती है, हाइट 100% होती है एंड विथ 100% होती है। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 50%, ओके, एंड 50%। फाइन, ओके। नाउ आई एम टेकिंग कॉलम्स, कॉलम्स ऑल्सो आई एम टेकिंग इन परसेंटेज, 50% कोमा 50%। फाइन, तो अभी आपने क्या किया है, एक फ्रेम सेट बनाया कि आपके विंडो में 50-50% में मींस टू रोज होंगी और टू कॉलम्स होंगे। तो ये टोटल इन टोटल फोर सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा। तो अब फ्रेम्स जो बनाए हैं उसके अंदर आपको क्या करना है, अपनी फाइल्स देनी है फ्रेम SRC। ओके, फर्स्ट फाइल हम यहाँ से लेते हैं। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे H1 ले लिया, ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओके, इसका URL कॉपी कर लो आप यहाँ से। फाइन, ओके, आई हैव टेकन दिस वन। नाउ नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो आप स्पेसिफाई करोगे, फ्रेम बॉर्डर वन। ओके, तो जो फ्रेम बॉर्डर एट्रीब्यूट है वो क्या स्पेसिफाई करता है, इट स्पेसिफाइज वेदर अ थ्री डायमेंशनल बॉर्डर शुड बी डिस्प्लेड बिटवीन द फ्रेम्स और नॉट। मतलब कि बॉर्डर्स का थ्री डायमेंशन सॉरी फ्रेम्स का थ्री डायमेंशनल बॉर्डर डिस्प्ले हो या ना हो, ठीक है। दिस एट्रीब्यूट टेक्स वैल्यू आइदर वन, वन मीन्स येस एंड जीरो मीन्स नो। तो आपने वन दिया है तो इसका मतलब है येस, उसका जो फ्रेम का जो बॉर्डर है वो डिस्प्ले हो। ओके, नाउ वी हैव स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट, स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट यस। फाइन, स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट क्या करता है, इट कंट्रोल्स द अपीयरेंस ऑफ द स्क्रॉल बार्स दैट अपीयर ऑन द फ्रेम। ये आपके फ्रेम के अंदर स्क्रॉल बार्स को क्या करता है, डिस्प्ले करता है, ठीक है। और इट टेक्स वैल्यूज आइदर येस नो और ऑटो। इसकी तीन वैल्यू होती है, येस नो और ऑटो। जब आप येस करोगे डेट मीन्स इट विल डिस्प्ले द स्क्रॉल बार। फाइन, नाउ आप क्या कर सकते हो, अपने फ्रेम को नेम भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको दे दिया F1 नेम। फाइन, ओके, नेक्स्ट फ्रेम SRC स्टैंड फॉर द सोर्स, ठीक है। SRC क्या होता है, सोर्स। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं पिक्चर, पिक्चर ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर, कॉपी द URL एंड पेस्ट इट। फाइन, नेक्स्ट जो आपके रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी। नेम इसका हम रख देते हैं F2। फाइन, नेक्स्ट फ्रेम सोर्स नेक्स्ट हम ले लेते हैं H2 फाइल, कॉपी कर लो URL। फाइन, एंड देन पेस्ट इट। ओके, रेस्ट एट्रीब्यूट वी आर टेकिंग फ्रॉम हेयर। ओके, इस फ्रेम का नेम हमने ले लिया F3।
frame src. Now S3 file, Internet Explorer. Control V. इंस्टेड ऑफ डूइंग द कॉपी मैंने उसको क्या किया, कंट्रोल वी. ओके, यहाँ पे हम फ्रेम का ले लेते हैं F4. फाइन, हमने 4 फ्रेम्स क्रिएट कर लिए क्योंकि हमारे 4 सेक्शंस यहाँ पे हम बना रहे थे. अब आप फ्रेम सेट को क्लोज करोगे, फाइन, एंड HTML को आप क्लोज करोगे. ओके, अब इसको हम सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस. इसका नेम रख देते हैं फ्रेम सेट डॉट HTML. फाइन, ओके, ये हमारी फाइल है, ओपन विद गूगल क्रोम. गूगल क्रोम से ओपन कर लेते हैं हम लोग. लोड हो रही है फाइल. देखो अब यहाँ इसके अंदर क्या हुआ है, आपकी जो ब्राउजर की विंडो है 4 सेक्शंस में डिवाइड हो गई है. ठीक है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल रोज है 50-50% और ये वर्टिकल कॉलम्स है. ठीक है, 50-50%. अब यहाँ पे देखो, इस वाले सेक्शन में स्क्रॉल बार नहीं है क्योंकि इसका कंटेंट बहुत ही स्मॉल है. फाइन, वो नीचे कोई कंटेंट है ही नहीं तो स्क्रॉल बार की जरूरत है ही नहीं. सेम वे यहाँ पे हमने पिक्चर ली थी लेकिन पिक्चर का साइज भी स्मॉल है तो यहाँ पे भी स्क्रॉल बार की आपको जरूरत नहीं है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे, नाउ लुक एट दिस, ये जो कंटेंट बड़ा है वहां पे स्क्रॉल बार आपकी डिस्प्ले हो रही है. फाइन, यहाँ पे भी देखो कंटेंट थोड़ा ज्यादा है तो यहाँ पे स्क्रॉल बार आपकी डिस्प्ले हो रही है एंड इट इज ऑल्सो शोइंग द फ्रेम बॉर्डर. ये फ्रेम का बॉर्डर भी शो कर रहा है. ओके, सो हियर वी हैव लर्न्ड हाउ टू क्रिएट द फ्रेम सेट, हाउ टू डिवाइड द विंडो इनटू डिफरेंट फ्रेम्स. फाइन,